अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स चैप्टर 11 द वर्ब. सो व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. ओके, जैसे हम लोगों ने क्या जानते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. तो एग्जाम्पल क्या है? लाफ, क्लाइम, किल, ड्रिंक, रन, वॉज, प्ले, राइट. ओके, ऑल दीज आर वर्ब. अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन, टू और मोर देन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में वर्ब क्या एक भी हो सकता है, दो और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ब आर गिवन इन बोल्ड. ये सब सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो वर्ब है. ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वॉज. इसे हम लोगों क्या शो होता है, उसका एग्जिस्टेंस. दिस इज ऑल्सो वर्ब. ही गोज टू स्कूल, गोज. गीता हैज़ फिनिश हर होमवर्क, हैज़ फिनिश. ओके, टू वर्ड्स, बोथ आर वर्ब्स. द स्कूल विल हैव क्लोज बाय देन, विल हैव क्लोज. ओके, दे आर थ्री वर्ड्स. आर रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड, विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय टुमारो. ओके, फोर वर्ड्स. द बॉय टोल अ लाई, टोल. लायन रोर, रोर. ऑल दीज आर एग्जाम्पल, ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब. नाउ सी वॉट इज रिटन हियर. In sentence 4, the verb consists of three words. See, in sentence 4, the school will have closed by then. 1, 2, 3. In sentence 3, the verb consists of two words. In sentence 3, see, Gita has finished, has finished. In sentence 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 and 12, the verb has only one word. See, number 1, then number 2, then number 7. Okay, the verb has only one word. In sentence 5, the verb has four words. Sentence 5, see, our result will have been declared by tomorrow. Will have been declared. Okay, तो इसे हम लोग क्या समझते हैं कि एक सेंटेंस में दो तीन वर्ड का भी वर्ब हो सकता है. Now exercise 1. Underline the verb in the following passage. The moon was full that night. इसको आप लोगों को करना है. Okay, इसमें वर्ब है, आप लोगों को अंडरलाइन करना है. जैसे द मून वॉज, अंडरलाइन वॉज. इट ब्राइटनेस अवेकन मी, अवेकन. आई वॉज रेस्टलेस, वॉज. सडनली आई हर्ड अ फेयरफुल स्क्रीम, हर्ड. माई हार्ट बीट फास्ट, बीट. ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1. आप लोगों को वर्ब अंडरलाइन करना है. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. द हंटर किल द लायन. ओके, किल वॉट? द लायन. यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, किल जो है हम लोग का वर्ब है. ओके, इसके बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ, द लायन. ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किल वॉट? द लायन. हेयर लायन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो इसको क्या बोलते हैं, ये लायन क्या बन गया हमारा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट. द टेबल नीड्स रिपेयर, नीड्स वॉट? रिपेयर. ओके, ही हेल्प द पुअर, हेल्प हुम? द पुअर. ओके, हेल्प्स हम लोगों का वर्ब है और द पुअर हम लोगों का क्या है, द पुअर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प्स. माई फादर लव्स मी, लव्स हुम? मी. मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लव्स, लव्स और मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. ओके, तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है. इफ़ यू पुट अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ब एंड द वर्ड वॉट और हुम, द वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे हुम या व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसका जो हम लोग का आंसर आएगा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और लिंकिंग वर्ब्स भी हम लोग इसको बोलते हैं. ओके, नाउ सी, द बॉय फिल्ड द बकेट विथ वाटर. गैस एंड कोल आर फ्यूल. तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल है ना, बॉयज़ इसमें पूरा मिला हुआ है, कोई लिंकिंग वर्ड है कहीं पर और कोई क्या है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव. तो इसको हम लोग करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर. इन सेंटेंस 1 and 7 द वर्ड्स फील्ड एंड फ्रीड आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, इन सेंटेंस 1 द बॉय फील्ड द बकेट विथ वाटर. यहाँ पर फील्ड हम लोगों का वर्ब है और उसके बाद बकेट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट. ओके, द बॉय फील्ड वॉट?
द आंसर इज बकेट. बकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फील. द सोल्जर फ्रीड वॉट. द आंसर इज द विलेजर्स. द विलेजर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रीड. Thus, feel and freed are such words that required object to make the complete sense. Such verb are called transitive verb. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन, कि ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या लगता है हम लोगों को, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट रहता है. इन सेंटेंस फाइव एंड सिक्स क्राउडेड एंड नील Do not require any object to make complete sense. और फाइव और सिक्स का सेंटेंस आप लोग देखिएगा, क्राउडेड और नील है, उसके बाद हम लोगों का कोई ऑब्जेक्ट नहीं. वी डू नॉट आस्क द क्वेश्चन पीपल क्राउडेड वॉट और ही नील्ड वॉट. सच वर्ब आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, और हम लोगों को इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन इंट्रांजिटिव वर्ब का, अ वर्ब which does not require an object to complete its meaning is called intransitive verb. Okay? See the example. The boy flew kites. So this is what? Transitive verb. The birds flew away. Intransitive verb. We grow roses in our garden. Transitive verb. Okay? Grow yahan par hum logo kya hai? Verb hai. Aur roses kya ho gaya? Object. These plants grow very fast. Intransitive verb.